अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेहरान यूनिवर्सिटी 2023 की जो टेस्ट होने जा रही है 15, 16 और 17 जून को, उसके हवाले से जो है आज हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 भी है। लेक्चर नंबर 4, अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स रिलेटेड दिस यूनिवर्सिटी की, मेहरान यूनिवर्सिटी जो टेस्ट है उससे नहीं देखे हैं तो आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएँ जहाँ पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी मेहरान के लिए, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एम बाय एन इसको हम पढ़ते हैं, वेयर एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। एम हम नंबर ऑफ रोज को शो करता है और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद या क्वांटिटी जो है वो सेम नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता। नंबर क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिसेस द मैट्रिक्स 1 2 3, 2 4 -5, 3 -5 6 इस कौन सी मैट्रिक्स है। तो इसको पहचानने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या हैं। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। जब ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं तो आप डायरेक्टली ट्रांसपोज की तरफ जाते हैं। आप जब भी ऐसी कोई मैट्रिसेस आती हैं तो आप ट्रांसपोज की तरफ जाते हैं, तो इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर ये रो 1 है, रो 1 देखें, रो 2 और रो 3, अगर तीनों रोज को अगर हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, मतलब रो 1 को हम कर दें कॉलम 1, मतलब ये जो रो 1 है 1 2 3, इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ 1 2 3, ये जो रो 2 है 2 4 -5, 2 4 -5, इसको मैं कॉलम 2 में लिखता हूँ, और ये रो 3 है 3 -5 और 6। अब ये जो मैट्रिक्स बन रही है इसमें और इसमें देखें कोई फ़र्क है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसमें और इसमें फ़र्क है कोई? ये दोनों सेम मैट्रिसेस हैं 1 2 3। इवन वी हैव चेंज्ड रोज इनटू कॉलम्स, या फिर अगर आप कॉलम्स को भी रोज में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब भी ए ट्रांसपोज बराबर आ जाए ए के, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए के आए तो इसे हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक नाम है इसका, आप कुछ नाम ये याद कर लीजिएगा। इन केस अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर बराबर है ए के, तो फिर इसे हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है, तो फिर इसे हम बोलते हैं एंटी हर्मिशियन, या फिर इसे हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 और बी है 1 -2 -3 4, देन ए माइनस बी, ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, तो आप इधर ही सॉल्व कर दीजिए। 2 -1 कितना होगा? 1 होगा। 3 -2 मतलब प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 4 -3 ये हो जाएगा 7। 5 -4 हो जाएगा 1। तो 1 5 7 1, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसमें आप इसके ऐसे ही प्लस वाले भी सवाल ज़रूर कर लीजिएगा, इवन आप ए बी मल्टीप्लिकेशन भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेहरान में 2 by 2 की मल्टीप्लिकेशन आती है, 3 by 3 की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। और याद रखिएगा मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ, अभी देखें ये वाली आ गई है, ए B मल्टीप्लाई बाय CD, इसका ऑर्डर है 1 by 2 और इसका ऑर्डर है 2 by 1। तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनने जा रही है, आप खुद सोचें कि उसका ऑर्डर क्या होना है, उसका ऑर्डर है 1 by 1। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसमें कितने कॉलम्स हैं? सेकंड मैट्रिक्स में एक है, तो पहली मैट्रिक्स को आप एक दफ़ा लिखेंगे और सब नंबर्स को आप मल्टीप्लिकेशन की साइन दे देंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे C, इधर लिखेंगे D और बीच में देंगे प्लस। तो AC प्लस BD जो है, AC + BD वो आपका रिजल्ट होगा, AC + BD, ऑप्शन सी।
सिमिलरली ये भी एक मैट्रिक्स आ चुकी है कि ए मैट्रिक्स इसके बराबर है तो आप ए स्क्वायर फाइंड करें। ए स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो इनका आर्डर चेक कर लें, इसका आर्डर है 2 by 2, इसका आर्डर है 2 by 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये नंबर हमें क्या मिल रहा है, सेम। लेकिन जो नेक्स्ट मैट्रिक है उसका आर्डर क्या होने वाला है, उसका भी आर्डर क्या होने वाला है, 2 by 2, है ना। तो हम करते क्या हैं कि हम सेकंड मैट्रिक्स में देखते हैं कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो पहली मैट्रिक्स को हम 2 मरतबा लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और फिर थोड़ी सी स्पेस देकर फिर से लिखते हैं 1, 2, 3, 4। हमने ये चीज़ लिख ली, उसके बाद सब नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन दे दी है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नंबर्स देखें कौन से हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, यहाँ पर लिखेंगे 3, 3, कॉलम 1 ख़त्म। अब कॉलम 2 की बारी है तो 2, 2, 4, 4, और बीच में हम क्या साइन देंगे, प्लस की साइन देंगे, इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा। इसको हमने एक दफ़ा लिखा है, ये हमने दूसरी दफ़ा मैट्रिक्स को लिखा, तो बस अब इसको सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 1 into 1, 1, 1 plus 6, ये हो जाएगा 7, ये होगा 3 plus 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 plus 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 plus 16, ये हो जाएगा 22। तो ये देखें कहाँ पर कोई रिज़ल्ट है, 7, 10, 15, 22, 7, 10, 15, 22, ये आपका जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये भी वैसा ही सवाल है कि 1, 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, 7। पहले तो आप ये चेक कर लें कि इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर है 1 by 3, इसका आर्डर है 3 by 1, तो क्या ये मल्टीप्लाई होने जा रही हैं, हाँ ये मल्टीप्लाई होने जा रही हैं। क्या इनका जो आर्डर है नेक्स्ट वो क्या होना चाहिए, देट मस्ट बी 1 by 1, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। अब देखें करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसमें चेक करें कि कितने कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स में एक, तो पहले मैट्रिक्स को आप एक ही दफ़ा लिखें 1, 2 और ये 5, और सब नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की साइन देनी है, उसके बाद आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम 1 में कौन है, 2 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 7 है, 7 के साथ, और बीच में आपको क्या देना है, बीच में प्लस की साइन देनी है, प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा 2 plus 8 plus 35, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, टोटल 45। तो देखें इसमें कितने आर्डर क्या है, 1 by 1, और हमने पहले भी क्या कहा था उसका आर्डर नेक्स्ट का क्या होगा, 1 by 1 होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 by 3, देन ए ट्रांसपोज इनटू ए, मतलब ए का आर्डर देखें ये है ए ट्रांसपोज इनटू ए, ठीक है, तो ए का आर्डर क्या है, ए का आर्डर है 2 by 3, इधर मैं लिखता हूँ 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का आर्डर क्या होगा। हम जानते हैं कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो आर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मीन्स नंबर ऑफ़ रोज इज आर कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 by 3 है तो ये हो जाएगा 3 by 2, है ना। अब ये देखें क्या मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, हाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और नेक्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर क्या होना चाहिए, 3 by 3 होना चाहिए, तो यही पूछ रहे हैं कि ए ट्रांसपोज ए का आर्डर क्या होगा, तो इसका आर्डर क्या होगा, 3 by 3, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 देखें, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडमपोटेंट, आइडमपोटेंट तब होती है जब ए स्क्वायर ए के बराबर हो, मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वो उसी के बराबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ये फेडरल के टॉपिक्स हैं लेकिन मेहरान वाले इसमें से निकालते हैं और एनईडी वाले तो ज़रूर निकालते हैं आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। और अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो फिर इसे हम बोलते हैं इनवॉल्यूट्री मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूट्री मैट्रिक्स। और अगर ए स्क्वायर बराबर हो नल मैट्रिक्स के तो फिर इसे हम बोलते हैं निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज कुछ आप अपने रजिस्टर पे देख लें कि अगर ऐसी कोई कंडीशंस आती हैं तो ये जवाब आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इनवॉल्यूट्री मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है तो ऑप्शन क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट ए का क्या होगा, और 2 by 2 का ही डिटरमिनेंट देंगे, अदरवाइज 3 by 3 का देंगे तो वो क्या देंगे, वो भी नीचे मैंने कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन 2 by 2 का देंगे। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो आयोटा इनटू आयोटा क्या हो जाएगा,
आयोटा स्क्वायर माइनस का होगा, और माइनस वन इंटू टू टू माइनस आयोटा स्क्वायर वन के बराबर है माइनस टू, तो रिजल्ट क्या होगा माइनस वन, तो ऑप्शन क्या होगा बी। ये मैट्रिक का सवाल है और मेहरान में देते भी ऐसे हैं, बिल्कुल आसान सवाल देते हैं। ये देखिए एक मैट्रिक्स है 3x3 की, तो डिटरमिनेंट उसका फाइंड करना है, तो इसका जवाब क्या होगा ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप देखें कि ये जो है नंबर्स जो हैं वो उनकी सीक्वेंस क्या हो रही है, रो वाइज रिपीट हो रही है। जब भी सीक्वेंस रिपीट हो तो आप बस जवाब क्या लिखिएगा ज़ीरो। ये एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि अगर ऐसा लिखा जाता है, फॉर्म देखें 3, 4, 5, 11, 12, 13 और ऐसा लिखा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल 98, 99, 100, तो इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये नंबर्स क्या हो रहे हैं कंसेकटिव हैं, 3, 4, 5, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 98, 99, 100, तो इससे जब आता है तो क्या होता है ज़ीरो। तो इधर भी ऐसा ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो रिज़ल्ट आपका क्या होगा ज़ीरो। एक मैट्रिक्स ये है, इफ़ एक डिटरमिनेंट है कि इसका डिटरमिनेंट अगर क्या है माइनस सिक्स है, तो फिर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, है ना। तो ये देखिए इसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्या है कि अगर ये आप रो वन देखें, ये रो वन है, ये रो टू है और ये रो थ्री है, इसको आप अगर कन्वर्ट करें तो देखें ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी वन, ये रो वन है, इसको लिखें कॉलम में 1, 0, 2, इसको लिखें तो ये क्या होगा 3, 4, 5, ये लिखें तो क्या है 5, 6 और 7, है ना। तो ये मैट्रिक्स ये वाली बन जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो फिर ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, इसका ट्रांसपोज है। तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या होता है सेम होता है। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, तो इसका डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड करें तो इसका डिटरमिनेंट आपको मिलेगा माइनस टू। इन केस अगर इसका ट्रांसपोज कर दें हम, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1, 2, 3, 4, तो इसका भी डिटरमिनेंट आपको क्या मिलेगा माइनस टू मिलेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है सेम होता है। तो अगर इसका माइनस सिक्स है तो ये इसका ट्रांसपोज है, तो इसका भी क्या होगा माइनस सिक्स होगा, तो ऑप्शन आपका ए सही। नंबर 13, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 9, 6। अब आप देखें कि रो टू जो है दैट इज़ मल्टीपल ऑफ रो वन, रो टू जो है दैट इज़ रो टू इज़ मल्टीपल ऑफ रो वन। जब भी कोई रो दूसरी रो के या कोई भी कॉलम दूसरे कॉलम के मल्टीपल होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है ज़ीरो होता है। द वैल्यू ऑफ 2, 0, 0, कोई भी एलिमेंट्स अगर किसी भी रो के ज़ीरो हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होता है ज़ीरो होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपकी टेस्ट में आ सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं, अगर या तो 2x2 का देंगे वो डिटरमिनेंट, अगर 2x2 का नहीं दे रहे हैं 3x3 का दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर वो छुपा छुपा कर आपको ज़ीरो डिटरमिनेंट ज़रूर देंगे, ठीक है। ये देखिए द मैट्रिक्स, और हाँ जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो होता है उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाली सारी मैट्राइसेस थी जिनका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किए हैं तो ज़्यादातर उसमें क्या है सिंगुलर मैट्राइसेस हैं, वैसा ही सवाल है। द मैट्रिक्स दिस इज ए एन डैश मैट्रिक्स, क्या ये नॉन सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है, क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये स्केलर है। तो स्केलर भी नहीं लग रही, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर देख लेते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं, अगर डिटरमिनेंट इसका ज़ीरो आता है तो क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, और अगर ज़ीरो नहीं आता तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 into radical 72 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 radical 2। तो आप बोलेंगे इसका तो ज़ीरो नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको थोड़ा इसके फैक्टर्स निकालें तो 2 into इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 into 6 into 6 माइनस 12 radical 2। तो इसमें से ये जो 6 है ये पेयर है ये बाहर आ जाएगा, तो 2 into ये 6 आ गया, बाकी अंदर क्या बचा रेडिकल 2 बचा माइनस 12 radical 2। तो ये हो जाएगा 12 radical 2 माइनस 12 radical 2, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा ज़ीरो। और अगर रिज़ल्ट ज़ीरो मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 16 ये बोल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर होने के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप बस इसके डिटरमिनेंट को ज़ीरो के बराबर रखें तो मल्टीप्लाई करें क्या होगा 4 लैम्डा माइनस 6
6 इज इक्वल टू 0. ये हमने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट किसके बराबर रखा है, 0 के. क्यों 0 के, इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है. अब इसमें से लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का 6 इधर जाएगा तो 4 लेमडा इज इक्वल टू 6, या फिर लेमडा इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, या फिर लेमडा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. 2 की टेबल लग जाएगी 3 अपॉन 2. ऑप्शन क्या है, डी. नंबर 17 देखें, एक मैट्रिक्स है उसका हमें माइनर फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, माइनर. अब आपको माइनर का तो पता है, 2 3 2, इधर क्या लिखा हुआ है, 3 2 3 2, मतलब थर्ड रो एलिमिनेटेड और 2 मतलब सेकंड कॉलम एलिमिनेटेड. इसको एलिमिनेट करके बचाएं, डिटरमिनेंट क्या बचता है, 2 5, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो बचा क्या, 2, इधर क्या बचा, 5, इधर क्या बचा, 4, इधर क्या बचा, 7. तो बस इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, डेट वुड बी माइनर 3 2, इसका रिजल्ट होगा. तो इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 14, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 20. तो रिजल्ट क्या मिला, माइनस 6. तो एम 3 2 आपके बराबर हो जाएगा माइनस 6. ऐसे ही आप इसी मैट्रिक्स के या किसी भी मैट्रिक्स के, आप इसके माइनर्स जो हैं, 9 माइनर्स होते हैं, अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है तो वो आप माइनर्स फाइंड कर लीजिए, इसका जवाब क्या होगा, माइनस 6. नंबर 18, एडजॉइंट ऑफ ए. 2x2 की एडजॉइंट देंगे, 3x3 की एडजॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3x3 के लिए हमें 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसका फिर हमने ट्रांसपोज लेना है. या फिर एक फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी, a11, a12, a13, a21, a23, 22, a23, a31, A32, A33, इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज. हो तब जाके 3x3 का हमें ट्रांसपोज मिलता है. लेकिन ये 2x2 है तो 2x2 के लिए आसान सा तरीका है. आसान सा तरीका क्या है, आसान सा तरीका ये है कि आप इसका क्या कर दें, जो मेन डायगोनल है, क्या है मेन डायगोनल, 1 एंड 5, इसके आप एलिमेंट्स को चेंज कर दें. ये हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बराबर होगा, चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, मतलब 1 की जगह पर आ जाएगा 5 और 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, और बाकी 3 और 4 आपके क्या रहेंगे, सेम. 3 भी सेम, 4 भी सेम, सेकेंडरी डायगोनल सेम, लेकिन इनकी, इनके एडिटिव इन्वर्सेस हम लिखेंगे, मतलब इनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज. अगर 3 देखें पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और अगर 4 पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव. अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, लेकिन 3 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को मैंने नेगेटिव कर दिया. दिस वुड बी द एडजॉइंट. तो ऑप्शन आपका जो है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 5 1, माइनस 3 माइनस 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन. नंबर 19 देखें कि ए मैट्रिक्स दी हुई है, अब इसका हमें ए इन्वर्स होल इन्वर्स, तो बच्चे परेशान ना हो कि सर हम इसका डबल इन्वर्स निकालेंगे, ये तो मतलब हमें कम से कम भी हमें 25 मिनट चाहिए तभी जाके डबल इन्वर्स इसका निकलेगा, और फिर भी हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कहीं पर गलती तो नहीं हो गई. तो ये ए इन्वर्स याद रखिएगा होल इन्वर्स ए के बराबर होता है ना, हम जानते हैं, या ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज भी ए के बराबर होता है. तो इसका जवाब क्या होगा, यही मैट्रिक्स होगी. अगर ए इनवर्स होल इनवर्स डबल इनवर्स बोल रहे हैं तो यही मैट्रिक्स देखें कौन से ऑप्शन में है, 1 में तो नहीं है, ए में तो नहीं है, 1 2 3, बी में भी नहीं है, 1 4 -1, 2 -1, 5 3 2 -3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन. नंबर 20 देखें, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 0 0 बीटा देन ए इनवर्स. अब देखें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें. डिटरमिनेंट देखें किसके बराबर हो रहा है, अल्फ़ा बीटा, किसके बराबर हो रहा है, अल्फ़ा बीटा माइनस जीरो, मतलब अल्फ़ा बीटा के बराबर हो रहा है. और इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट होगा हम क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल है उनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, बीटा आएगा अल्फ़ा की जगह और अल्फ़ा आएगा बीटा की जगह, बाकी जीरो और जीरो इनके हम साइन चेंज करेंगे फिर भी यही रहेगा. तो ए इनवर्स आपको मिलने वाला है, अल्फ़ा बीटा हर नंबर को डिवाइड करेगा तो बीटा को डिवाइड करेगा तो अल्फ़ा बीटा, ज़ीरो को डिवाइड करेगा तो अल्फ़ा बीटा, इधर ज़ीरो को डिवाइड करेगा तो अल्फ़ा बीटा, इधर अल्फ़ा को डिवाइड करेगा तो अल्फ़ा बीटा. तो रिजल्ट जो है ए इनवर्स फाइनली आपको क्या मिलेगा, इधर कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन बीटा बीटा कैंसिल, बाकी बचेगा 1 अपॉन अल्फ़ा, इधर होगा 0, इधर भी होगा 0 और इधर अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 1 अपॉन बीटा. तो ए इनवर्स आपका ये जवाब हो जाएगा. तो ऑप्शन देखें कौन सा है, ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन करेक्ट.
तो ये कुछ सवाल हैं, ये आप मेट्राइसिस में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी आप ज़रूर याद कीजिएगा, है ना, डेफिनेशंस ज़रूर याद कीजिएगा, तो आपका इंशाल्लाह पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा मेट्राइसिस में से, इधर से कोई सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं ज़ाहिर है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, यही एरियाज़ हैं मेट्राइसिस और डिटरमिनेंट्स की जो आपको कवर करते हैं। ठीक है जी, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, और इन वीडियोज़ को ज़्यादातर शेयर करें। अब मैं चैप्टर नंबर 5 जो है ग्रुप्स, उसके कुछ MCQs में आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी ग्रुप्स और सीक्वेंस एंड सीरीज की। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।